हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं बीए के बाद कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीए के बाद अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो जो भी सोच रखे होते हैं कि मैं ये कोर्स करूँगा, इस कॉलेज में जाऊँगा या आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए यहाँ पर जाऊँगा, तो वो कर नहीं पाते हैं। और इस समय पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बीए में होंगे या बीए कर रखे होंगे या बीए करने वाले होंगे, ठीक है। तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर उनकी घर की भी स्थिति ऐसी है कि वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आगे जो भी सोच रखा है उसको नहीं कर सकते, उनकी फैमिली चाहती है कि वो जॉब करें, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पर दो रीज़न आते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि 10 में से 7 स्टूडेंट्स बीए के ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि मुझे बीए के बाद करना क्या है, बीए में कर क्यों रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उनको ये पता ही नहीं होता, तो इसके कारण से यहाँ पे मुझे वीडियो की ज़रूरत पड़ी है। दूसरा रीज़न ये रहता है कि मैंने अपने आसपास की सोसाइटीज़ में देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बीए, एमए और भी बहुत तरह की डिग्री है, ठीक है, उन्होंने पीएचडी तक कर रखा है, पर वो सिर्फ नाम की पीएचडी डिग्री है, बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, डबल एमए कर रखा है, ऐसे करके बोलते हैं कि मैंने ये कर रखा है, पर वो सारा नाम का है, ठीक है, और उनका जो जॉब है वो उनकी डिग्री से मैच नहीं करता है, ठीक है। तो इसका रीज़न दो निकलते हैं कि जॉब उनकी डिग्री से मैच क्यों नहीं करता है। तो उसका रीज़न, पहला रीज़न तो ये आता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति से सलाह लिया, ठीक है, कि भैया मुझे जॉब चाहिए, आप कोई आसपास में दिला दो, आपकी कंपनी में कोई जॉब दिला दो। तो अगर कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हो, उनकी कंपनी में जा रहे हो, जो बंदा खुद इस तरह से कर रहा है, तो वो क्या दिलाएगा, वो अपने जैसा ही दिलाएगा ना। तो पहला रीज़न तो ये रहता है कि हम गलत व्यक्ति से सलाह लेते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि इस बेसिस पे हमें क्या जॉब मिलेगा, अगर मैंने बीए कर रखा है तो क्या जॉब हमारे लिए है और कहां पर हमें जॉब जाके ढूंढना है और क्या जॉब ढूंढना है और हमारी स्किल क्या है, हम कौन सा जॉब कर सकते हैं, ये भी हमें पता नहीं होता है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह का यही हाल है, सिर्फ इंडिया के अंदर में ये हाल है, इंडिया के जो बच्चे होते हैं उनकी ये हाल है। यहाँ पर सिर्फ हम बीए के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं, तो अगर आप कॉमर्स और साइंस साइड के स्टूडेंट्स को देखोगे तो उनका जो बैकग्राउंड होता है या फिर जो उनके दोस्त होते हैं, आसपास का जो माहौल होता है, ठीक है, टीचर्स होते हैं, वो उनको इस तरह का एक सेट कर देता है, माइंडसेट रहता है कि हाँ आपको ये करना है, ठीक है, उनका एक गोल पहले से फिक्स रहता है कि आपको इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। और उनके आसपास में क्या होता है, कॉम्पिटेटिव माहौल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव माहौल के कारण से वो अपना गोल सेट रहता है कि हाँ ये करना है। पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जाते हैं जो फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो भी जॉब के लिए आते हैं, बट फिर भी उनका गोल कम से कम क्लियर रहता है, पर बीए के स्टूडेंट्स का गोल क्लियर नहीं रहता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि बीए के बाद हमें कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। मैंने 12वीं के बाद ही अपना जॉब स्टार्ट किया था क्योंकि मेरी फैमिली भी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उस चीज़ों को कंटिन्यू कर सकूँ, और यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरह से मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 12वीं के बाद आपने बीए कर लिया, 3 साल का आपका बीए कंप्लीट हो गया, अब आपकी फैमिली चाहती है कि भैया आपका जॉब पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गया, आगे की पढ़ाई देखो आप क्या करोगे, देखो बहन की शादी करनी है, पापा काम नहीं कर सकते, चलो आप आ जाओ, आप काम करो, पापा की मदद करो, ठीक है, ये रहता है एक, ये मतलब ये इशू रहता है घर के अंदर में। तो सबसे पहला जॉब आप देख सकते हो और इजिली मिल सकता है, कॉल सेंटर का जॉब मिल सकता है, ठीक है, कॉल सेंटर का जॉब इजिली मिल जाता है, ठीक है। कॉल सेंटर में भी 2 तरह के कॉल सेंटर होते हैं, जिसमें एक तो कॉल आता है और एक कॉल जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास एक कॉल आए, ठीक है, सिर्फ आपको बैठना है, अगर कॉल आए तो आपको उसका आंसर देना है, दूसरा आपके यहाँ से कॉल जाए। इसमें भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे सेल डिपार्टमेंट होता है तो आपको कुछ क्रेडिट कार्ड, कोई प्लान बेचना है, ठीक है, या फिर किसी और तरह के प्रोडक्ट बेचना है, या फिर उसके वसूली, जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड का किसी ने पैसा ले लिया, दिया नहीं है, तो उसका वसूली करना है, तो इस तरह का चीज़ें भी रहता है। तो आप अपने हिसाब से कि आप किस में कम्फर्ट हो, क्या चीज़ें आपकी अच्छी है, कितना अच्छा ओरिएंट स्किल है आपका, कितना अच्छा बोल सकते हो, उसके हिसाब से आप इसको चुन सकते हो और इसमें जा सकते हो। यहाँ पे दूसरा जॉब इजीली मिल जाता है, 12वीं के बाद भी कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे डाटा एंट्री का जॉब रहता है। डाटा एंट्री क्या है, तो नॉर्मली किसी भी कंपनी का जो भी डाटा है उसको एंट्री करना, ठीक है, एक्सेल पे चढ़ाना, ठीक है, एक्सेल पे चढ़ाना, वर्ड पे चढ़ाना, मतलब जो भी ये वेबसाइट होते हैं ना उनके ऊपर में यहाँ पे रन करवाना होता है, जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके ऊपर में यहाँ पे रन करवाना होता है उनको, ठीक है, रन करवाने का मतलब उसको एंट्री करना होता है, उसमें जो भी आपको फाइल दे दिया गया उसको सारा उठाकर इसमें कॉपी पेस्ट करना है, फाइल में से उठाकर यहाँ पे रखना है। तो डाटा एंट्री की जॉब, नॉर्मल सा बेसिक नॉलेज हो आपको सिस्टम का, कंप्यूटर का नॉलेज हो, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत फ्रेशर के तौर पे भी जाओगे तो वहाँ पे सिखा देते हैं, आप कर सकते हो इजीली, और नहीं तो थोड़ा सा टाइम देकर भी ऑनलाइन या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके भी एज अ डाटा एंट्री के तौर पर आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे तीसरी जॉब टीचिंग की आती है। मैंने 12वीं के बाद टीचिंग स्टार्ट करी थी, 12वीं के बाद मैंने अपने दोस्तों को ही और अपने आसपास के लोगों को ही, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स थे या गली के लोग थे उनको मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ाने स्टार्ट किया था 12वीं के बाद ही, 11th 12th का, और फिर बीए भी मैंने पढ़ाने स्टार्ट किया, फिर एमए भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप सबको। तो यहाँ पर मैं टीचिंग के लिए गया,
तो नॉर्मली एक टीचिंग का ऑप्शन रहता है, पर टीचिंग के लिए क्या होता है कि एक क्वालिफाइड डिग्री चाहिए होती है कि आप बीएड कर रखे हो या जो भी है आपका, ठीक है, आप करके आए हो, नेट क्लियर करके आए हो, तो एक टीचिंग कर रहे हो, ठीक है। पर यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या होता है कि जैसे हमारी फैमिली की एक मेंटेलिटी भी रहती है कि अगर आपने 12वीं कर लिया, ठीक है, हमारे आसपास की मेंटेलिटी भी रहती है कि आपने 12वीं कर लिया, 12वीं में आपके अच्छे नंबर आए हुए हैं, तो आप चार बच्चों को लेकर पढ़ा लो, आपका खर्चा निकलेगा, पॉकेट मनी एटलीस्ट आपका कम से कम निकलता जाएगा, ये हमारी मेंटेलिटी रहती है। तो टीचिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन ये आता है डिजिटल मार्केटिंग का। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है, तो जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनका मान लो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई वेबसाइट है, उसको रन करवाना, उसको आगे लेके जाना, वेबसाइट बनाना, ठीक है, और उसमें बहुत सारे काम आते हैं, इसमें बहुत सारे मतलब हज़ारों काम आते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी आप जा सकते हो। जैसे मान लो मेरा दी इनअप का जो वेबसाइट है, ठीक है, या दी इनअप का जो हमारा चैनल है, वेबसाइट तो अभी तक है नहीं, हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो उस पर हमने कोई वीडियो डाला और हम चाहते हैं कि उस वीडियो का टैग वैग क्या हो, ठीक है, किस तरह से टैग डाला जाए जो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा चले, ठीक है, और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए उसके ऊपर में, बहुत ज़्यादा अर्निंग हम कर सके उस वीडियो के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे को पकड़ेंगे, बोलेंगे भैया हमारा ये चीज़ है, आप इसको कर दो, तो हमारे लिए वो टैग सजेस्ट करेगा कि ये टैग डालो, इस तरह के वीडियो को बनाओ, ये चीज़ें करो, वो करो, तो हमारी वो चीज़ों को रन करवाता है, तो वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आता है। और ये सिर्फ मैंने एक चीज़ बताई है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में हज़ारों काम आते हैं। यहाँ पे अगला जॉब आप देख सकते हो मार्केटिंग का। मार्केटिंग के अंदर में सेल्समैन के तौर पर, ठीक है, अलग अलग जगह पे सेल्समैन के तौर पर, ठीक है, एडवाइज़र के तौर पर, ठीक है, सेल्स बॉय के तौर पर यहाँ पे आप अपॉइंट कर सकते हो। मॉल वॉल के अंदर में भी रखा जाता है और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, इवन 20+ ही होती है सैलरी, 18-19-20+ ही सैलरी मिल रही होती है। मार्केटिंग के अंदर में भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक जॉब मिल जाता है सोशल वर्कर का। सोशल वर्कर के तौर पे दो तरह के जॉब होते हैं, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, भैया सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा है, उसमें कोई क्या पैसा चाहिए आपको, समाज सेवा ही तो कर रहे हो ना, तो एक तो सोशल वर्क के तौर पर फिर भी कई जगह क्या होता है कि एनजीओ पैसे भी देती है जॉब करने के, जिसमें क्या होता है नॉर्मली किस तरह के जॉब, जो भी कैंपेनिंग चल रहा है उस एनजीओ का, उसके साथ में जाना आना पढ़ाना, अगर कुछ भी चीज़ें चल रही हैं तो वो कर सकते हो। मैं भी स्टार्टिंग में एक एनजीओ के थ्रू ही जुड़ा हुआ था 12वीं में, ठीक है, तो मैं अपना साथ में पढ़ाता भी था उस एनजीओ में, उससे थोड़ी बहुत मुझे अर्निंग भी होती थी, और उस एनजीओ के जो भी सोशल वर्क चलते थे, ठीक है, जैसे वो प्रौढ़ शिक्षा अभियान पे, जो 60 मतलब जो औरतें हैं जो पढ़ नहीं पाई हैं, बूढ़ी औरतें हैं, उनको पढ़ाने का काम करती थी एनजीओ, ठीक है, तो उनके लिए मैं अलग अलग जगह जाता था, पढ़ाने की मैं मदद करता था, तो इस तरीके से मैं भी एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था। तो आप भी इस तरह से वर्क कर सकते हो, एनजीओ कुछ अच्छा खासा पैसा भी देती है, खाने पीने के लिए पैसे भी देती है, ठीक है, चल जाता है, मतलब एटलीस्ट आपका वर्क चल सकता है। एक आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन 12वीं के बाद भी और यूजी के बाद भी एमएनसी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है एमएनसी का। एमएनसी में भी बहुत तरह की जॉब है, आपकी क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करती है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह का आपका स्किल है, ठीक है, ओरिएंट स्किल आपका कैसा है, स्पीकिंग स्किल कैसा है आपका, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको एमएनसी में जॉब मिल सकती है। अगर आपको कुछ रीजनल लैंग्वेज आती है बोलने के लिए, जैसे मान लो पंजाबी, गुजराती, ठीक है, मराठी, तो रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पे भी कॉल सेंटर और एमएनसी में जॉब मिलती है। एमएनसी में भी कॉल सेंटर जैसी जॉब्स होती हैं, ठीक है, और एमएनसी में बहुत तरह की जॉब है, वर्क फ्रॉम होम भी हैं, ठीक है, सप्ताह में सिर्फ 5 दिन जॉब करना है, पैसे अच्छे से मिल रहे होते हैं, ठीक है, आपको ऑलमोस्ट जो एमएनसी हैं ज़्यादातर एमएनसी प्रेफर करती हैं कि आपके घर से लेके जाएंगी कंपनी तक और आपको घर तक छोड़ेंगी, तो आपका कन्विंस भी वो पे कर रही होती है, तो बहुत अच्छे अच्छे जॉब एमएनसी के अंदर में ऑफर होते हैं। उसके लिए आपको आसपास में देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी एमएनसी आपके घर के आसपास में है, ठीक है, आप कौन से एमएनसी के लिए फिट बैठते हो, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस एमएनसी में क्या चीज़ें की जरूरत है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और अभी इस समय के टाइम पे एमएनसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी आगे जॉब करना चाहते हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अकाउंटिंग एप्लीकेशंस का। जैसे बहुत सारे मार्केट में अकाउंटिंग एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे उन्हें जॉब की जरूरत होती है, लड़कों की जरूरत होती है कि जो हमारे अकाउंटिंग काम को संभाल सके। किस किस तरह की एप्लीकेशन होती है, तो टैली हो गया, बीजी हो गया, और भी बहुत तरह के एप्लीकेशंस है जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। और इसमें बेसिक नॉलेज होता है बिल को एंट्री करने का, ठीक है, बैंक के स्टेटमेंट को मैच करने का, तो और इसके बेसिस पे नॉर्मली सिंपल एक जॉब मिल सकती है कि जहाँ पे बिल आपको बनाने हैं, ठीक है, बिल की एंट्री करनी है, जो भी परचेज बिल है, सेल बिल है, उसको मेंटेन करना है, ठीक है, उनके लेजर को मेंटेन करना है, पार्टी लेजर को मेंटेन करना है, और जो बैंक स्टेटमेंट है उसको चढ़ाना है, ठीक है, तो एज ए अकाउंटिंग के तौर पर, अकाउंटिंग एप्लीकेशन मैनेजमेंट के तौर पर आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली तो कॉमर्स के स्टूडेंट ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, पर थोड़ा सा अगर आपको एप्लीकेशंस की आइडिया हो, क्योंकि हम क्या करते हैं बीए के में रहते हैं जब, या बी 12th के बाद कई बार क्या करते हैं कंप्यूटर कोर्स करते हैं जहाँ पे हम टैली या बीजी के बारे में सीखते हैं, उसके बेसिस पे हमें जॉब इजीली मिल सकता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग एप्लीकेशन का अगर जानकारी है तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। एक यहाँ पे जॉब आ जाते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का, और ये आज के समय में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर में जुड़े हुए हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होते हैं,
कि जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मित्रा हो गया, ठीक है, तो ये जितने भी जो वेबसाइट है उनको ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं, जहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर में किस तरह से ऑर्डर प्लेस करना है, किस तरह से ऑर्डर को पैक करवाना है, किस तरह से उसको भेजना है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं। उन ऑर्डर को कैसे हम रैंक कराएंगे, ठीक है, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको कैसे लिस्ट करवाएंगे, डी लिस्ट कैसे होगा, लिस्ट कैसे होगा, उस प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या रहेगी, उसके रिगार्डिंग में ये जॉब रहती हैं। तो यहाँ पर आप ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर में जॉब कर सकते हो। अगर आप इसको जॉब कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद आपका अगर इसके नॉलेज बढ़ जाती है तो आप इसके अंदर में आगे भी जा सकते हो। बहुत सारे इसके अंदर में ऑप्शन खुल जाती है और अलग अलग अच्छी कंपनियों में भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली भी यहाँ पे लोकल में भी और जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं उसके अंदर में भी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू अगर आपको आइडिया है तो वहाँ पर जॉब कर सकते हो और अच्छा खासा सैलरी यहाँ पर ऑफर करे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लॉ फॉर्म या फिर CA फॉर्म के लिए सोचते हैं कि उनके अंडर में रहकर हमें ये थोड़ा बहुत अकाउंटिंग सीख लेता हूँ जिसके बाद आगे जॉब मिल सके, तो ये भी एक ऑप्शन अच्छा रहता है कि आप किसी लॉ फॉर्म के अंदर में चले जाओ जो थोड़ा बहुत आपको आइडिया सिखा सके ये चीज़ें, पर वो शुरुआत में उतना अच्छा पैसा तो नहीं देते हैं, पर धीरे धीरे ये रहता है कि आप अगर आप सीख गए, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो आप किसी दूसरे जगह पर जाके अच्छे पास खासे पैसे कमा सकते हो, तो ये एक ऑप्शन रहता है। पर इसमें क्या होता है, आपको टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेस्ट करने का मतलब यह है कि शुरुआत में वो पैसे नहीं देते, इतना पैसे देते हैं कि जिससे आपका खर्चा चल सके, ठीक है, सिर्फ आने जाने का कन्वेंस निकल सके आपको, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पर काम को सीख जाते हो तो उसके बेसिस पे आपको जॉब अच्छी खासी आगे ऑफर कर दी जाती है। एक यहाँ पे ऑप्शन रहता है डिजाइनिंग का भी, अगर आपको मान लो थोड़ा सा एप्लीकेशन आती हैं चलाने के लिए, डिजाइनिंग एप्लीकेशन आती हैं चलाने के लिए, तो वहाँ पर डिजाइनिंग के बेसिस पे भी आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। एक लास्ट ऑप्शन ये है एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में से मान लो कैमरामैन की जॉब पे तौर पे जो आपके आसपास में शादी ब्याह में जो बनाते हैं, अगर थोड़े बहुत आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो आप उनसे जुड़ सकते हो, वहाँ पे एडिटिंग सॉफ्टवेयर के तौर पे काम कर सकते हो। यूट्यूब आज के समय में सबसे बड़ा ऑप्शन है, ठीक है, तो अगर लगता है कि आप पढ़ा सकते हो या कुछ और आपका स्किल है जिसके बेसिस पे आप यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हो। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बेसिस पे मैंने खुद अपने कई सारे स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, जो मेरे कई एक स्टूडेंट था जिसको थोड़ा बहुत एडिटिंग स्किल आती थी कि थोड़ा सा जानता था किस तरह से एडिट कर सकते हैं, वो भी मुझे कई बार सजेस्ट करता था कि सर इस तरह से आप वीडियो को एडिट करो, ये करो, ठीक है। पर उस स्टूडेंट को मैंने सजेस्ट किया कि आप आगे इसी फील्ड में जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा, आप आगे की पढ़ाई मत देखो क्योंकि आपका नॉलेज है। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक बाहर से उन्होंने कोर्स किया 6 महीने का, उसके बाद उन्होंने एक यूट्यूब चैनल था उसको उन्होंने ज्वाइन किया और उस यूट्यूब चैनल के लिए वो वर्क करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं, उनकी वीडियोस को, उनके पूरे जो भी थंबनेल होते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं और उनकी जो सैलरी है अभी 30,000 के करीब में है पर मंथ, ठीक है। तो मतलब एक ये भी एक ऑप्शन के तौर पर एडिटिंग सॉफ्टवेयर का अगर आपके पास नॉलेज है तो। एक यहाँ पे ऑप्शन आता है होटल फील्ड का भी, ठीक है, अगर मान लो आपको नॉलेज है होटल के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा रिसेप्शन के बारे में, तो वहाँ पे होटल फील्ड के अंदर में भी जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट अगर आपने, वो तो बात की बात है कि उसमें पैसे लग रहे तो करना पड़ेगा, ठीक है, पर नॉर्मली होटल के अंदर में भी रिसेप्शन रिसेप्शन के तौर पर ज्वाइन कर सकते हो, होटल का भी एक ऑप्शन रहता है। पर अगर आप किसी बड़े होटल में अच्छे होटल की देखते हो तो वहाँ पे नॉर्मली आपका देखते हैं क्या, होटल मैनेजमेंट HM आपको आना चाहिए, तो ये देखते होते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं मेरे हिसाब से जो BA के बाद आपके लिए सुटेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके आसपास में जॉब मिल रही है तो। और नॉर्मली इन जॉबों को ढूंढना आसान है क्योंकि अगर कॉल सेंटर ढूंढ रहे हो तो नॉर्मली कई सारे एप्लीकेशंस हैं, उनको डाउनलोड करो, उसके हिसाब से देखो कॉल सेंटर का जॉब क्या क्या है। अगर एक बार किसी कॉल सेंटर में जाओगे तो अपने आप ही आपको आइडिया मिलता जाएगा कि क्या क्या किस जगह पर कौन सी जॉब है, ठीक है। डाटा एंट्री के लिए जाओगे या जो भी किसी भी चीज़ के लिए जाओगे ना, जिस भी फील्ड को आप अच्छे से समझ रहे हो कि ये फील्ड मेरे लिए सूट कर रहा है, ये फील्ड मेरे लिए है, इस फील्ड का काम मैं इजीली कर सकता हूँ, तो उस फील्ड में जब जाओगे तो आपके लिए अपने आप ही रास्ता बनता चला जाएगा और आगे आप उसको कर सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो। इसमें बहुत सारे जॉब तो ऐसे हैं कि अगर एक बार गए, आपके पास स्किल आ गया, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, तो उसके अंदर में अच्छा खासा कमा सकते हो, उसके अंदर में आप लाइफ आगे बढ़ा सकते हो, लाइफ सेट कर सकते हो अपनी, ठीक है। और कुछ जॉब ऐसे हैं जो वो टेम्परेरी हैं कि आप गए बस अपना जो मतलब है वो निकाला फिर बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको अपना देखना पड़ेगा सबसे पहले कि आप चाहते क्या हैं, आपकी स्किल क्या है। अगर आपको अपना स्किल पता चल गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ तब वो जॉब बेटर है, अगर आपको पता ही ना हो कि आपकी स्किल क्या है तो फिर तो सब कुछ बेकार है। और नॉर्मली मैंने ये देखा आसपास में अपने कि 10 में से 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि वो BA कर क्यों रहे हैं और BA के बाद उनको जॉब क्या क्या मिल सकती है, ठीक है। जो मैंने पहली रीज़न बताया था आपको कि जो डिग्री है डिग्री के बेसिस पे जॉब क्यों नहीं मिलती है, तो ये रीजंस रहते हैं उनके, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और भी इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपको टाइम टू टाइम डे टू डे इस तरह की अपडेट मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।